विद अनदर व्लॉग। तो आज हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि थोड़ी देर पहले हम उठ चुके थे तकरीबन सवा 8 तक और अभी टाइम हो रहा है 8:45 बजे हमारी क्लास है। तो आज हमारे बहुत लंबी क्लास है, 9 से 3 तक हमारी क्लास है। तो हम रेडी वगैरह हो चुके हैं, तो वनस भाई का वेट कर रहे हैं, उनका फ़ोन है, तो हम जाएँ और उनको पिक करें और फिर हम चलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। Few inches later. हमारी लोगों ने पहली क्लास की छुट्टी को छोड़ी है, तो हम दूसरी क्लास के लिए हम जा रहे हैं और ऊपर चलते हैं, तो हम आपसे मिलते हैं वहाँ पे। 12 seconds later. तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी दूसरी क्लास लेने के लिए। तो अभी यहाँ पे शाहरुख भाई भी हैं, आया खान नाम है मेरा, आया खान, सॉरी आया खान, मैं इनको शाहरुख खान बोलिए। सर में लग रहा है यहाँ के अंदर असल में चमाटे मारूंगा ना, असल अभी अभी कुछ भी इसका मैं लिहाज भी नहीं करूंगा। सामने 3 टीचर खड़े हैं सीनियर, मैं इसको ऐसे चमाटे दूंगा तबीयत खुश हो जाएगी इसकी। और बकार है साला, गर्मी में 12 बजे क्लास है, नींद नहीं हुई पूरी। तो यार अब हमने बोला था रात भर अपनी बेबी से बातें करो। और कोई है नहीं तो क्या करें। तो अनस भाई भी हमारे साथ यहाँ पर है, अनस भाई भी बैठे हुए हैं। तो अभी क्लास वगैरह हम लेते हैं, तो हम क्लास वगैरह लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं क्लास लेने के। 2 hours later. हम लोग की अब छुट्टी हो गई है और हम लोग अब जा रहे हैं घर की साइड पर, और टाइम 3 बज चुके हैं, तो अब चलते हैं घर पे। और बाइक की पार्किंग देखें, या तो बाइक ढूंढने बहुत बड़ा मुश्किल काम है, बाइक चल के ढूंढते हैं। बाइक कहाँ है हमारी, ओ वो खड़ी हुई दिख गई। तो आप लोगों को हम बाइक दिखाते हैं चल के, और हम चलते हैं घर। तो बाइक दिखाते हैं आपको, वो खड़ी हुई भाई हमारी बाइक। तो अब हम घर चलते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं घर पर। 2000 years. हम लोग उठ चुके थे 6 बजे और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6:15 हो रहे हैं। हमने खाना वाना खाया और नमाज वगैरह पढ़ी। तो हम यूनी से आके फ़ौरन सो गए थे क्योंकि सर में भी दर्द होता है, गर्मी इतनी है, और रात को भी हम लोग सही तरह सो नहीं पाए थे क्योंकि एक मसला हो गया था। मेरी जो छोटी बहन है उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी रात के 3:30 बजे के टाइम पे, तो हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। तो वहाँ से आते आते 4:30 हो गए थे। तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, उसकी तबीयत और अच्छी है। तो असल में पेपर्स चल रहे हैं ना 9 मैट्रिक के, तो उसके 9 के पेपर हो रहे हैं, तो वो थोड़ी टेंशन वगैरह भी लेती है। तो खैर अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो अभी तो हम लोग उठ चुके हैं, अभी खाना वाना खा लिया हम लोगों ने, अब हम शाम का टाइम हो रहा है तो ऊपर चलते हैं कबूतर वगैरह को दाना पानी देने। तो अब हम लोग ऊपर आ गए हैं और मैंने फुल यहाँ पर पानी वानी फेंक दिया है क्योंकि थोड़ी गंदगी हो गई थी, छिड़काव कर दिया एक तरह से। बाकी बाजरा भी डाल दिया है मैंने कबूतर के लिए, अब इंतज़ार है कबूतर वगैरह आए उनको खाएं और हमें दुआएं दें। और ये यहाँ पे हमारी छोटी बहन भी खड़ी है जिनकी कल तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। यहाँ पे क्या हाल है आपके, अब कैसी है तबीयत है? ठीक है, चलो अच्छी बात है, अब इनकी तबीयत ठीक है। तो हम मगरिब पढ़ते हैं, नमाज वमाज से फारे हो गए थे मगरिब की, तो हमें भूख लग रही थी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला थोड़ी तफरियाँ करवाएंगे आप लोगों को, तो हमारा ऐसे मूड बना मैक्रोनीस खाने का। तो हम लोगों ने सब्जियां वगैरह काट दी हैं और ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो हरी प्याज हमने जो काट दी है वो ये अंदर फ्राई हो रही है, इसको हम लोग पहले थोड़ा ब्राउनिश कर देंगे, ज़्यादा नहीं ब्राउनिश नहीं करेंगे, बेसिकली इसको ऐसे करेंगे कि पक्की हो जाएगी बस, तो इसमें थोड़ी ये डार्क ग्रीन हो जाएगा भी। और शिमला मिर्च और चिकन भी हमारे पास रखी हुई है, ये रही टिक्का गोभी का मसाला है और ये सिरके हैं, तो जल्दी से लाल हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बंद गोभी। बहुत मुश्किल होता है ये कुकिंग करना, खैर मुझे तो बहुत शौक़ है कुकिंग करने का, तो गर्मी बस बहुत होती है
उसका बस ख्याल रखते, क्योंकि आप पंखा वगैरह तो चला नहीं सकते। तो हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो हम उसमें डालते हैं बंद गोभी और शिमला मिर्च जो कि हमारी एरी, तो हम ये डालते हैं इसके अंदर। बड़ी मुश्किल से हमारी कटी थी, हमने रख दी है और अब हम इसके अंदर पंखा चलाएंगे, तो मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। फिर हम इसके सिरके वगैरह, केचप वगैरह, मेयोनीज ये वगैरह डालेंगे। उसके बाद हम अपने मैक्रोनी जो कि हमारे बन चुके हैं, बॉईल कर चुका हूँ ये रखे हैं वो। तो अब आप देखें जैसे इसकी ऐसी शक्ल आ चुकी है, पूरी चिकन जो है इसकी जो फ्रीज थी वो बिल्कुल मेल्ट हो गई है और सब्जियां वगैरह भी गल चुकी हैं। तो अब हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो हम इसके अंदर मैक्रोनीज डालते हैं जो कि हमारे ये रे, तो ये हम डालते हैं इसके अंदर। उंगली पे जल गई, उंगली जल गई, खैर हो गई यार, होता रहता है छोटे मोटे घरों में। हमारे जो मैक्रोनीज थे वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं ये रे। और इसके अंदर फिर हमने थोड़ी केचप डाली थी, और क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है, तो मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी। ये फाइनली रेडी हो चुके हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं ये कैसा बना है। तो मिल, तो अब हम लोग की जो है मैक्रोनीज वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो ये रही वो फुल प्रेजेंटेशन के साथ आपके भाई ने रखी हैं ये। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। तो हम इन्हें बताते हैं टेस्ट करके, आप लोग देख सकते हैं बड़े वीआईपी हमने बनाए हैं। बस आप इसको टेस्ट करते हैं हम, फिर हम आपको बताते हैं कि ये कैसे बने हैं। मज़ेदार, मज़ेदार यार बंदा, जब अपने लिए और अपनी फेवरेट चीज बनाए तो उसको मज़ेदार क्यों नहीं लगेगी। 2 hours late. टाइम 11:15 हो गए हैं, तो अब थोड़ी देर बैठ जाते हैं फैमिली के साथ, उनके साथ बातें वगैरह करते हैं, तो फिर थक भी गए आज, तो अब जाके सो जाते हैं। तो अब हम अपना व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, इस पर कमेंट करें, शेयर करें, और शेक्स मिनी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके हमारी गैंग में शामिल हो जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल, जब तक के लिए बाय बाय।